Students, we'll start with the chapter Laws of Motion. Laws of Motion, उसके numerical. पहला question क्या पूछ रहा है? First question देखो क्या दिया हुआ है. First question में लिखा है, the force of attraction between two bodies at a separation is 10 newton. मतलब दो body है, उसके बीच में जो force दिया हुआ है, it is given to be 10 newton. They are asking what will be the force of attraction? What will be the force of attraction? If the distance between them is reduced to half, separation is reduced to half. Suppose अगर मैं R1X लेता हूँ, तो इनका separation कितना हो गया? Half of the original, that is X upon 2. तो formula हमारे पास है, F equal to G, M1, M2 upon R square. ये force है, जो दो body के बीच में exist होता है. तो force is given by F equal to G, M1, M2 upon R square. तो, if I right, F equal to G, M1, M2 upon R square, I can say that F is inversely proportional to square of the distance. So, this will become F1 upon F2 equals to R2 square upon R1 square. So, what is F1? F1 aapko 10 diya hua hai. What is F2? Puchha hua hai. What is R2? R2 is given to be X upon 2 square. What is R1? X ka square. तो सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 10 अपॉन F2 इक्वल टू x2 अपॉन 4 इनटू 1 अपॉन x2. ये कैंसिल कर दो तो आपको सॉल्व करने में यू विल गेट द वैल्यू 40 न्यूटन. तो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट सम. सेकंड सम में आपको क्या पूछ रहा है कि राइट द एप्रोक्सीमेट वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg. व्हाट अजम्पशन हैव यू मेड. तो मास आपको 5 kg दिया हुआ है, आपको वेट पूछा हुआ है. तो हम लोग assumption लेते हैं, G equal to 10 meter per second square. तो weight is given by formula mg, m is 5, g is 10. तो you got 50 newton. तो उन्होंने पूछा था, what is the assumption made? तो assumption में आपका ये value लिखा है. तो this is the assumption. G equal to 10 meter per second square. तो ये दो सम हो गए. Next question पूछ रहा है, calculate the weight of the body of mass 10 kg. इन kgf. तो मास कितना दिया आपको? 10 kg दिया हुआ है. दूसरा क्या दिया आपको? पूछा आपको वेट इज इट हाउ मच. फर्स्ट इन kgf, सेकंड इन न्यूटन. ठीक है, तो आप लिख सकते हो जो मास आपको दिया है, 10 kg दिया तो आपका वेट क्या बन जाएगा? 10 kgf हो जाएगा. मैं बताता हूँ कैसे होगा. आप डायरेक्टली लिखना तो लिखो, लेकिन इसका मेथड होता है. W is equal to mg दिया हुआ है आपको, वेट आपको कितना दिया है, मास कितना दिया 10, g को आप ले लो 10, तो W is 100 न्यूटन आ गया. ठीक है, तो ये किस में, ये फर्स्ट वैल्यू आ गया और आप सेकंड वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया न्यूटन में. तो अगर आपको m और g लिखा तो g के लिए मैंने 10 अज्यूम किया हुआ है एंड यू कैन टेक द वैल्यू एज G to be 10 newton. अच्छा, इसमें G 10 लेने को कहा है, sorry 9.8 लेने को कहा. तो I will take G as W equal to mg. G उन्होंने 9.8 दिया है. तो this will become W is equal to m. 10 दिया है, G 9.8 दिया है. तो W will be 98 newton. तो this is the second value. Fourth question में क्या पूछ रहा है? Fourth question में they are asking, state the magnitude and direction of the force of gravity acting on a body of mass 5 kg. Take g equal to 9.8. तो आपको क्या पूछा हुआ है? Magnitude यानी value पूछा हुआ है और direction पूछा है. Mass कितना दिया है? 5 kg. Gravity इन्होंने 9.8 लेने को कहा है. तो weight is given by formula m into g. Weight is given by m into g. तो W is equal to mass कितना दिया आपको? 5. Gravity 9.8. अब solve करो, आपको 49 newton आ जाएगा. This is the value. And there फिर पूछ रहे हैं कि कौन से direction में act हो रहा है? Direction of the force. तो obviously gravity जो होता है downward direction में होगा. तो weight यहाँ जो आया will act in downward direction. नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है द वेट ऑफ द बॉडी इज 2 न्यूटन, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी। वेट आपको 2 न्यूटन दिया है, आपको मास पूछा है। और वेट इज गिवन बाय द फॉर्मूला एम इंटू जी। जी इन्होंने 10 लेने को कहा है, टेक जी एस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो डब्ल्यू की वैल्यू 2 दिया हुआ है, मास दिया हुआ है एंड जी इज 10। तो व्हेन आई सॉल्व आई विल गेट 2/10 व्हिच इज नथिंग बट 0.2 kg। तो मास इज 0.2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन द वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ इज 98 न्यूटन, वेयर द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8। तो व्हाट इज द मास एंड वेट ऑन द मून वेयर द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं स्लोली रीड करता हूं, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। सिक्स सम वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ, यानी वेट ऑन अर्थ आपको दिया हुआ है 98 न्यूटन, ठीक है। देन पूछ रहे हैं और ग्रेविटी इन्होंने 9.8 लेने को कहा है। व्हाट इज जी, जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स मास, दो क्वेश्चन मास एंड द सेकेंड वेट ऑन मून। मास एंड वेट बोथ ऑन मून। आपको तो मालूम है कि जो मास होती है, मास इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, इट डज नॉट चेंजेस। तो मैं ये समझा देता हूं हमें कैसे करना है। क्वेश्चन है वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ, तो वी नो द फॉर्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, 98 इज इक्वल टू एम इंटू ग्रेविटी कितना है 9.8, तो एम विल बी इक्वल टू 98/9.8, डेसिमल शिफ्ट करो 10, 98 कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज द मास 10 केजी आ रहा, ठीक है। तो मास ऑन द अर्थ कितना है 10 केजी आ रहा, तो देयरफॉर मास ऑन मून विल आल्सो बी इक्वल टू 10 केजी बिकॉज मास इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, मास इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इट इज द मैटर कंटेन इन द बॉडी। तो आई कैन से मास इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, देयरफॉर मास विल नॉट चेंज। जो मास अर्थ पे है वही मास मून पे भी होगा। सेकेंड पूछ रहा है वेट ऑन द मून, तो वेट ऑन द मून इज नथिंग बट 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ। तो 1/6 ऑफ, व्हाट इज द वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ, इट इज 98 न्यूटन। अब सॉल्व करो, आपको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, ये 6 × 6 = 3 अच्छा, मून पे ग्रेविटी की वैल्यू दिया था, हम लोग ये नहीं लिखेंगे। वेट ऑन द मून इज अगेन एम इंटू जी, मास 10 दिया है और वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑन द मून की वैल्यू उन्होंने लिखा है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वी हैव टू टेक दिस वैल्यू, तो 10 × 1.6 तो यू विल गेट 16 न्यूटन। तो ये 6 सम हो गए। नेक्स्ट 7 सम, अ मैन वेज 600 न्यूटन, आपको वेट कितना दिया हुआ है 700 न्यूटन दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट वेट ऑन द मून, तो वेट ऑन अर्थ आपको मालूम है, वेट ऑन मून पूछा हुआ है। तो वेट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। अभी मैंने यहाँ पे 1/6 लिया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दिया नहीं है ग्रेविटी का मून पे, तो मैंने ये ले लिया वेट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ द अर्थ। 1/6 इंटू वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ कितना है 700 है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने में आंसर कितना आएगा, सॉरी ये 600 न्यूटन है। आप इसको 600 ले लो, तो 600 का, तो दिस इज 100 न्यूटन। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून 100 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 10.5 kg। तो अभी आपको मास कितना दिया है 10.5 kg, वेट पूछा हुआ है जी, आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने को कहा है। तो W इज इक्वल टू एम इंटू जी, 10.5 × 10, तो दिस इज 105 न्यूटन।
देखो वेट ऑफ द ग्रेविटी पूछा, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा। मेरी जो बॉडी की वेट होगी वही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। सपोज अगर मेरा बॉडी का वेट 100 kg है तो ग्रेविटी को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1000 न्यूटन। तो इस तरह से हमें वेट निकालना है, यानी वेट इज दिस वेट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली एक्टिंग ऑन दी बॉडी। तो आपको वेट कितना आ गया 105 न्यूटन आ गया, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एंड वेट ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास 10.2। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट दोनों सेम है, देयरफॉर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज 105 न्यूटन एंड वेट इज ऑल्सो 105 न्यूटन, बोथ आर सेम। आया समझ में ये कैसे किया हुआ, एक बार गो थ्रू करो ये, ये देखो कैसा किया हुआ एक बार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन। बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट एंड रीचेस द ग्राउंड इन 3 सेकंड। अभी यहां पे दिया है कि बॉल को हाइट से छोड़ा गया हुआ है, तो हाइट पूछा हुआ है पहला क्वेश्चन, और आपको दिया हुआ है कि जो टाइम लगा उसको नीचे आने के लिए इट टुक 3 सेकंड टू रीच द ग्राउंड, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने को कहा है। फाइंड द हाइट फ्रॉम विच द बॉल वॉज रिलीज, तो वी नो दैट एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर रहेगा। अगर ग्रेविटी पॉजिटिव कब लेंगे, इफ द बॉडी इज कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ, तो आई विल टेक हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू यू, तो जीरो हो जाएगा बिकॉज बॉल अगर आप ऊपर से नीचे ला रहे हो तो आपकी यू जीरो होती है, ठीक है, याद रखोगे आप। तो ये बन जाएगा 0 × t 0 ½। व्हाट इज जी 9.8 एंड टी कितना है 3 स्क्वायर। तो आफ्टर सॉल्विंग आपको एच की वैल्यू कितना जाएगा कैलकुलेशन करने में 44.1 मीटर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आंसर का, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। देन दे आर आस्किंग वेलोसिटी विद विच द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड, वी इक्वल टू how much? So we know that v is given by formula u plus gt. v is equal to initial velocity 0 है, मैंने तुमको बताया body अगर ऊपर से release हो रहा है तो initial velocity 0, gravity 9.8 है, ठीक है, and यहाँ पर time कितना है, time 3 second है, तो after solving you will get 29.4 meter per second. So this is the second answer and this is the first answer. Next question 10. What force in Newton your muscle need to apply to hold a mass of 5 kg in your hand? Again 10 question में अगर मैं बोल दूँ ये मेरा हाथ है, ठीक है, this is my hand, और हाथ पे मैंने एक body रखा हुआ है, उसका weight downward direction में होगा, ठीक है, तो force कितना लगेगा ये block को होल्ड करने के लिए, ब्लॉक को होल्ड करने के लिए फोर्स कितना लगेगा। बॉडी का मास आपको दिया हुआ है 5 kg, तो वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उतना ही मेरे हाथ को फोर्स मिलेगा। अगर जो भी वेट नीचे की तरफ होता है उतना वेट मेरे को ऊपर लगाना पड़ेगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, जी हम लोग 9.8 ले लेते हैं या 10 ले लेते हैं, तो एम इज 5 एंड जी आप 10 ले लो, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 50 न्यूटन आएगा। तो हमारा एजम्पशन क्या हुआ, assumption ये हुआ कि we have taken g as 10 meter per second square, this is the assumption made in this sum। आया समझ में तुमको ये।